ओम शांति। ओम शांति। तो दूसरी बात है ब्रह्मा ज्ञान अर्थात मुरली। पहली बात क्या थी? हाँ, भूल ना जाए इसलिए मैं रिपीट करा रहा हूं, याद रखना, रोज चेक करना है। पहला है ब्रह्म मुहूर्त अर्थात अमृत वेला, दूसरा है ब्रह्मा ज्ञान अर्थात मुरली, तीसरा सच्चे सच्चे ब्राह्मण वे हैं जिनकी भोजन की शुद्धि है, जो पवित्र ब्राह्मण आत्माओं के हाथ का ही भोजन खाते हैं, खिलाते हैं। एक बार जगदीश भाई जी ने मम्मा से प्रश्न किया, मम्मा आप कहते हैं लास्ट सो फास्ट, एक 10 वर्ष से ज्ञान में चल रहा है और एक है एक ही वर्ष, तो 10 वर्ष से 1 वर्ष वाला कैसे आगे जा सकता है? जा सकता है हाँ? कैसे? वो 10 साल से ज्ञान में चल रहा, आप ही 1 ही साल से ज्ञान में चल रहे हो, तो कैसे आगे जा सकते हो? हाँ, धारणा के आधार से। वो 10 साल से ज्ञान में चल रहा है लेकिन भोजन की शुद्धि नहीं हो पाई, रिश्तेदारी रिश्तेदारी में भोजन कर लेता है, और एक है जो 1 ही वर्ष से ज्ञान में चल रहा है लेकिन वो भोजन की शुद्धि कर ली, तो कौन आगे गया? तो ज्ञान में कितने वर्ष से चल रहे हैं वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन ज्ञान हमारे जीवन में कितने समय से चल रहा है वो बड़ी बात है। तो जो भोजन की पूरी शुद्धि रखते हैं, योग युक्त होकर भोजन करते हैं,